छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार जारी है। बलरामपुर के रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं के खाते में भी धान का पैसा आ रहा है, मगर उल्टा सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किसानों को किसान न्याय योजना के तहत लगातार पैसों का भुगतान कर रही है। सरकार एकमुश्त भी किसानों को पैसा दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के रवैये के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। उनके सारे विधायक और मंत्री उनके खाते में पैसा ले रहे हैं, तो ये एक तरफ पैसा भी बघेल सरकार से आप लेते रहो और दूसरे गाल भी बजाते रहो, तो शादी विवाह में जैसे होता है ना, शादी विवाह में खुश जब शादी विवाह में जब होते हैं तो समधी को लोग गाली देते हैं, है ना, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये शुभ काम के लिए गाली दे रहे हैं।